ਮੋਗਾ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੋਗਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਜੀਐਮ ਅਤੇ ਬਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਝਾੜੂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਕਤ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਾ ਮੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। इस बारे प्रशासन अते नगर निगम नू कई बार कहा गया पर कोई सुनवाई नहीं हुई। इस दे नाल ही उन्होंने कहा इस मुहिम तहत सैशन जज अते सीजीएम अते सारियां बारां दे मैंबर मिलके एक हफ्ते तक सफाई मुहिम चलाणगे अते जेकर फिर भी कोई सुनवाई ना हुई तां प्रशासन दा घिराओ कीता जावेगा। मोगा तो अज दी आवाज लई मनीष गर्ग दी रिपोर्ट। देखो कहन नू तां हर मंदिर गुरुद्वारे दी तरह जिहड़ियां अदालतां ने इन्हां नूं न्याय दा मंदर कहा जांदा है, लेकिन सानूं इस गल दा बड़ा दुख है भी इस न्याय दे मंदर नूं हर डिपार्टमेंट वल्लों हर सरकार वल्लों इग्नोर किया जाता है। अज सानूं मजबूरन जिहड़ा है इस कचहरी दे विच स्वच्छता ते सुंदरता वीक की शुरुआत करनी पई, जिहदे च असीं मानयोग साडे डिस्ट्रिक्ट एंड सैशन जज साहब और साडे सीनियर सब जज जिहड़े ने उन्हां नूं इत्थे सफाई अभियान की शुरुआत लई बुलाया गया है, क्योंकि ये जिहड़ा कोर्ट कंपलैक्स है न्याय दा मंदर है इत्थे सफाई दा इन्ना बुरा हाल सीगा और जिहड़ी कि असी सारिया ने रल मिल के जिहड़ी है शुरू करके इहनू साफ कीता। शायद ही जिले दा कोई ऐसा व्यक्ति होवे, कोई ऑफिसर होवे, कोई नगरपालिका दा होवे, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस दा होवे या कुसे पिंड दा पंच होवे, सरपंच होवे, जिहड़ा इस जगह ते नहीं आंदा होवे। ये जिहड़ा है कोर्ट कंपलैक्स जिहड़ा वै ये शहर का एक मिरर है और जे इत्थे सफाई है नहीं जिथे शहर का हर बंदा आंदा तो मैं नहीं समझदा भी शहर के किसी हिस्से दे विच सफाई हो सकती है। इस संबंध जो कारपोरेशन नाल गल की जाती है वह कह देंदे है साडी जिम्मेवारी नहीं, जो डिप्टी कमिश्नर नाल गल की जाती है वह कह देंदे है साडी जिम्मेवारी नहीं है, जो डिस्ट्रिक्ट एंड सैशन जज या अदालतों नाल गल की जाती है वह कहिंदे है भी साडा तां कोर्ट कंपलैक्स है असी इस दे जिम्मेवार नहीं हैगी। मैं समझदा अज जिहड़ा है मोगे दे वकील जिहड़े ने वो इस समय जिहड़े है नरक दे विच रह के काम करन दे जिहड़े है वो अपना काम कर रहे हैं जिन्हां दा कोई सफाई दा प्रबंध नहीं है और साडे कोले जिहड़ा साडी सबसक्रिप्शन तो अलावा किसी तरह का होर कोई फंड नहीं हैगा गा जिहदे नाल असी अपने तौर पर सफाई कर सकीए। मजबूरन सानू सारयां नूं रल के अज जिहड़ा कचहरी स्वच्छता ते सुंदरता अभियान जिहड़ा वो शुरू करना पिया ताकि साडे जिले की इज्जत बच सके, साडी कोर्ट कंपलैक्स की इज्जत बच सके, साडे जजिस की इज्जत बच सके, क्योंकि गंद दे विच रह के और जिहड़ा काम करना है ये कोई इनवायरमेंट नहीं हुंदा जिते देखो साडे कोले कोई स्वीपर किसी तरह का कोई सफाई का प्रबंध जिहड़ा है जिहड़ा बाथरूम का हिस्सा है या जिहड़ा वकीलों का हिस्सा है या जिते चैंबर बने हुए ने या जिते कलाइंट बैठते हैं उत्थे किसी तरह का कोई सफाई के प्रबंध आ साडे कोले नहीं हैगा गा और सानू मजबूरन ये जिहड़ा है ये कदम चुकना पिया। इस हफ्ते तो बाद जे साडी किसी तरह की सुनवाई नहीं हुंदी चाहे वह कारपोरेशन है चाहे वह डिप्टी कमिश्नर है चाहे साडे डिस्ट्रिक्ट एंड सैशन जज जज साहब है सानू मजबूरन किसी ना किसी तरह का ऐसा कदम चुकना पऊगा जिहदे नाल असी इस नरक चों निकल के एक अच्छे एनवायरमेंट दे विच असी अपनी सफाई दे विच रह के जिहड़ा काम कर सकीए। और मैनू इस गल की समझ नहीं आती भी जिहड़ा जिहड़ा शहर का मिरर है जिले का मिलर है उन्होंने इस तरह जिहड़ा आपसी लड़ाई दे विच पता नहीं ये डिप्टी कमिश्नर कारपोरेशन की लड़ाई है पता नहीं ये राजनीतिक लड़ाई है पता नहीं ये कोई कोई हाई कोर्ट नाल या अदालतों नाल रंजिश रखते हैं जिथे इन्हां दे हो सकता केस भी चलते हो और इस रंजिश के सदका जिहड़ा है इन्हां दे करके जिहड़ा है ये भुगतनी जिहड़ी है सानू शहर के लोगों पैंदी है। हुण सिविल हॉस्पिटल है सिविल हॉस्पिटल दे विच सारे शहरां च दवाई छिड़कदे है सारी जगह जाके दवाई छिड़कते हैं जगह जगह डेंगू के टेस्ट करते हैं उन्होंने चलान करते हैं उन्होंने कोर्ट कंपलैक्स दिखता नहीं जगह जगह वो परले पासे ट्राली वर्गा वो रखा हुआ उन्होंने और वह भी कूड़े का भरया पाया कोई चक्कर तैयार नहीं है गा। इस करके जिहड़ा असी ये जिहड़ा अपने तौर पर सैशन जज साहब नूं बुला के एक स्वच्छता ते सुंदरता अभियान की अज शुरुआत करन लगे हैं। एक बार असी अपने तौर पर इहनूं सारे नूं साफ करावांगे और जे फिर भी साडी किसी ने सुनवाई ना की फिर जिस तरह का सानूं कदम चुकना पऊगा असी उस तरह का कदम चुकांगे।